एक भगवत भक्त को क्रोध से बहुत बचना चाहिए। आपने 7 दिन तक ये कथा सुनी और 7 दिन के बाद आपने 7 सेकंड का क्रोध किया, ये 7 दिन की कथा बिल्कुल बराबर हो जाती है। आपने जितना एक सकारात्मकता अर्जित की है, ये सब सकारात्मकता समाप्त हो जाती है, आप नकारात्मकता से भर जाते हो। आप जितनी देर आप क्रोध करते हो, क्रोध करते ही आपकी सकारात्मकता आपके जीवन से गायब हो जाती है। इसलिए इस चोर से भी, इस क्रोध से भी हमें बचना चाहिए। क्रोध क्या है, थोड़ा आप समझना क्रोध क्या है। क्रोध हवा का वो झोंका है जो आपके बुद्धि रूपी दीपक को बुझा देता है। जिस समय क्रोध आता है ना, उस समय बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है। क्या बोलना है आदमी को समझ में नहीं आता है, क्या करना है आदमी को समझ में नहीं आता है। क्रोध में प्रत्येक किया हुआ काम उल्टा होता है और क्रोध में किया हुआ प्रत्येक वाक्य उल्टा होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, जब क्रोध आए तो सबसे पहला काम करो, मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? 3 बातें हैं। जब आपको क्रोध आ जाए, जवाब मत दो। बहुत ज्यादा आप प्रसन्नता में हो तो कोई वादा न करो, और बहुत ज्यादा दुखी मन हो तो कोई निर्णय न लो। ये तीनों चीजें उल्टी होती हैं। क्रोध में बोला हुआ वाक्य उल्टा होता है, बहुत प्रसन्नता में किया हुआ वादा आपको बहुत महंगा पड़ता है, और दुखी मन से किया हुआ निर्णय भी हमेशा उल्टा होता है। दुखी मन का निर्णय कोई अच्छा निर्णय नहीं होता है। इसलिए दुखी जब आपका मन हो जाए तो कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा विचार करो, मौन। और बहुत प्रसन्न हो, कोई वादा मत करो। प्रसन्नता में व्यक्ति भाव में वादा कर देता है, निभाना बहुत मुश्किल पड़ता है, कोई वादा नहीं करना चाहिए। और जब आप क्रोध में हो उसमें क्या नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए। क्रोध आपका वो हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम क्रोध नहीं करते हैं, ये लोग हमको क्रोध दिला देते हैं। होता ना ऐसा, किसी से पूछो क्रोध क्यों करते हो तो व्यक्ति कहता है कि मैं क्रोध नहीं करता हूं, ये मुझे दिलाते हैं, परिवार वाले या दोस्त जो कोई बात हो, ये लोग मुझे क्रोध दिलाते हैं। हमारे संतों ने कहा है, यदि कोई आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो ऐसा मानना चाहिए कि वो आप उनके हाथ की कठपुतली हो। क्या हो? वो जब चाहे आपको क्रोध दिला दे, उसका मतलब आप क्या हुए, उनके हाथ की कठपुतली हुई है ना। किसी के हाथ की कठपुतली होना अच्छी बात है नहीं है ये। इसलिए हम यदि समझदार हैं तो हम अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। हमारे संतों ने परमात्मा से एक प्रार्थना की है, हे परमात्मा मैं स्वयं को माचिस की तिली ना बनाऊं कि थोड़ा सा घर्षण लगते ही जल करके खाक हो जाऊं, बल्कि अपने आप को वो शांत सरोवर बनाऊं कि जिसमें कोई अंगारे भी फेंके तो मेरा कुछ भी ना हो, अंगारे वो बुझ जाए लेकिन मेरा कुछ भी ना हो, आप मुझे ऐसा बनाए। तीसरा है डकैत। डकैत क्या है? लोभ। एक है ठग, एक है चोर और एक है डकैत। डकैत किसको कहते हैं? जो जबरदस्ती आपकी आंखों के सामने आपका धन लेकर के चला जाए उसको डकैत कहते हैं। संसार में बिना लोभ के कुछ भी नहीं होता है। रूंगटा परिवार व्यापार करता है, बिना लोभ के व्यापार होगा नारायण जी? होगा नहीं होगा? बिना लोभ के व्यापार नहीं हो सकता है। लोभ को यहां पर डकैत कहा है, धर्म की यात्रा में इसको बाधक माना गया है। तो बिना लोभ के तो जीवन होगा ही नहीं। नौकरी होगी तो लोभ से, पढ़ाई होगी तो लोभ से, हर चीज यहां लोभ से होती है। दुनिया बिना लोभ के चली नहीं सकती है। और यहां लोभ की निंदा की गई है तो कौन सा लोभ?
व्यापार करना गलत नहीं है, वो लोभ नहीं है। लोभ का मतलब है कि आप यदि किसी को देने का बिल्कुल भी आपके अंदर भाव नहीं आता है, केवल संग्रह करने का आपके अंदर केवल भाव है, इसको लोभ कहते हैं। और वो लोभ आपको परमात्मा से दूर ले जाता है। आप यहां पर सब लोग गृहस्थ हैं, मैं आपसे कह दूं कि सब कुछ बांट दो, ये कोई उचित बात है क्या? आप सब कुछ ना बांटो, लेकिन सब कुछ रखो भी मत। यदि आप सब कुछ रखने का, सब कुछ समेटने का आप प्रयास करते हो, उसको लोभ की संज्ञा दी गई है। और ये लोभ बहुत खतरनाक है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा। हम थोड़ा बांटें, चाहे आप यहां पर पुरुष बैठे हैं चाहे स्त्री बैठे हैं, मैं आप दोनों के लिए कहूं, लोभ एक धर्म यात्रा में लोभ खतरनाक है। लोभ धर्म यात्रा को क्षीण करता है, लोभ धर्म यात्रा से हमको विरत करता है। लोभ का मतलब है, लोभ का वो मतलब नहीं कि हम कोई व्यापार न करें, नौकरी न करें, कोई काम न करें। लोभ का मतलब है हम किसी की सहायता नहीं करते, वो लोभ है। केवल अपने लिए, केवल अपने लिए, केवल अपने लिए हम करते हैं, वो लोभ है। हम उससे बचें, थोड़ा हम परमार्थ भी करते चले जाएं, तो ही हमारे धन की शुद्धि होगी, हमारे अन्न की शुद्धि होगी, हमारी संपत्ति की शुद्धि होगी, तो हम उस लोभ से बच सकते हैं।